भाषा भारती कक्षा पाँचवीं। भाषा भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, बुद्धि का फल। बुद्धि यानी कि अक्ल। यहाँ किंवदंती के अनुसार बिरबल अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मंत्री था और बिरबल अत्यंत चतुर व बुद्धिमान था। बिरबल और अकबर की हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं, उन्हीं में से एक कहानी यह भी है। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत यानी जो समाचार लाने वाले होते हैं, वह आया। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा कि आलमपना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार और बहादुर दरबारी मौजूद थे। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप किसी ना किसी तरह इसका बंदोबस्त जरूर कर देंगे और जल्द ही कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने सोचा, बुद्धि, घड़ा भरकर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? बुद्धि कोई देखने वाली चीज़ तो होती नहीं है। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतू की मांग की है, भला घड़े पर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बिरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बिरबल के बस का भी ना हो, क्योंकि घड़ा भरकर बुद्धि देना तो ना के बराबर है। मगर फिर भी उसे बताने में बुराई ही क्या है। जब बिरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, आलमपना, चिंता की कोई भी बात नहीं है, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर बिरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या, बिरबल को मुँह मांगा समय दे दिया गया। बिरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करने का। नौकर ने फौरन बिरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बिरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू के एक बेल के पास गया। कद्दू की बेल यानी जो कद्दू के फल लगते हैं ना, उनकी जो बेलें होती हैं, वह बेल के पास गया। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बिरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी कद्दू के फूलों पर उल्टा रख दो। बिरबल ने इस काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल और सावधानीपूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और खुद वहाँ से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलमपना, इस कार्य को हो चुका समझे, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। उन्होंने बादशाह अकबर से कुछ दिन का समय मांगा था, वो इसलिए मांगा था ताकि घड़े में कद्दू का फल उग जाए और वह घड़ा पूरा भर जाए। बिरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। इसके बाद बिरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। लंका के दूत के आने पर बिरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बिरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बिरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में दे दिया। लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिएगा। भेंट करना यानी उपहार देना। भेंट कर दीजिएगा, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाए। बिरबल ने क्या कहा कि खाली होने पर हमें यह बर्तन जैसा का तैसा मिल जाए। अब आप सोचो कि घड़े में कद्दू पूरी तरह से भरा हुआ है, वह बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि घड़े का मुंह छोटा है और उसमें रखा हुआ कद्दू बड़ा है। अगर उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो घड़ा भी टूट जाएगा।
इसीलिए बिरबल ने क्या कहा कि आप बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस लौटा दीजिएगा। इसमें रखी बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पर दूत ने बिरबल से पूछा, हुजूर क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? दूत ने बिरबल से क्या पूछा कि क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, बिरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, और हाँ अगर आपके राजा की को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो हमारे पास ऐसे 5 घड़े और तैयार हैं। परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई थी, मतलब हमारी भी बुद्धि मारी गई थी, भला हमें भी क्या सूझी? बिरबल का कोई जवाब नहीं है, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे? उसने क्या कहा कि बिरबल का तो कोई जवाब नहीं है, बिरबल अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छे से करना जानता है, हम लोगों को पता नहीं क्या सूझी थी कि हमने ऐसी मांग की। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को ना दबा सके, उत्सुकता यानी कि जानने की इच्छा, उत्सुकता को न दबा सके, वे फौरन बोल उठे, बिरबल बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ, अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं, अभी मंगा देता हूँ आलमपना, बिरबल ने यह कहा। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झाँका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा हुआ पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई, वे बिरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है, लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। बिरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कितने अच्छे से, कितनी बुद्धिमानी से किया। लंका के राजा को भी यह सोचना चाहिए था कि बुद्धि कोई दिखने वाली चीज़ तो है नहीं जो घड़ा भरकर बुद्धि मंगवा ले, पर फिर भी बिरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उस समस्या को हल किया। वैसे ही हमें भी कुछ समस्याओं को अपनी बुद्धिमानी से हल करना चाहिए।